सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गया हूं मैं वापस फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। वे निकल जा नहीं बनानी मैं लास्ट टाइम की तरह। इस बार भी हम लोग एक और नया फूड व्लॉग बनाने वाले हैं और ये फूड व्लॉग भी पादरा में ही होने वाला है। सो भाई, तो सीधा चलते हैं खाने पीने के लिए, लेट्स गो। तो आज हमारी फर्स्ट लोकेशन है पूजा समोसा, जो पादरा में बहुत फेमस है। तो मुझे किसी की कमेंट आई थी कि भाई तू पादरा के समोसा एक्सप्लोर कर, तो आज हम लोग आए हैं समोसा खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट और फिर आपको बाद में रिव्यू बताते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये है पूजा समोसा सेंटर के समोसे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, समोसे के ऊपर क्या क्या डाला है, 3 टाइप की चटनी, फिर ऊपर से सेव और उसके ऊपर कुछ कॉबिज और ये ककड़ी है, इसका सलाद डाला हुआ है। तो अभी टेस्ट करते हैं इसको। 15 रुपये के आपको 2 समोसे मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे बताया कि समोसे के ऊपर 3 टाइप की चटनी, ऊपर से अंदर दही भी था जो मैं आपको बोलना मतलब बताना भूल गया। और इसके साथ जो कचुंबर मिलता है उसके अंदर कॉबिज है, ककड़ी है एंड अनियन मतलब डूंगरी है। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। मुझे इस जगह के बारे में पहले नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है वो मार्केट से आती है, क्योंकि इसके पास ही में बहुत बड़ा मार्केट है, सब्जी मार्केट। और इस शॉप के बारे में मुझे अमित ने बताया, क्योंकि अमित यहाँ पर से 500 रुपये के समोसे ले जाता है रोज। अगर आप लोग यहाँ पर मार्केट में आओ, बड़ी मार्केट में, तो इधर के समोसे खाना मत भूलिएगा डूड। इसमें हर एक चटनी का टेस्ट आ रहा है, ऊपर से दही जो मेरा फेवरेट है उसका भी मस्त टेस्ट आ रहा है। और समोसे अभी तक गर्म है, मजा आ गया। कर ले कर, रुक जा बे, बता तुझे समोसे कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। सही सही बता, झूठ मत बोल। दूसरा खिला दे, चल। पैसा नहीं है इतने ज्यादा। ये बटाका वाला भजिया है और ये दाल वाला मतलब दाल वाला भजिया और ये मेथी वाला भजिया है। और इधर मिलती है ये येलो चटनी और साथ में मिर्ची मिलती है तीखी वाली। ऊपर ये मालूम नहीं वो कौन सा मसाला तीखा यार। चलो हम खाते हैं, अब कैसा लगता है? तुम लोग बाद में खाना, में पहले खा लेते। गरम है बार, बहुत गर्म है।
अमित बोले नूडल्स खाते हो गए थे। तो हम लोगों ने 30 रुपए के भजिए लिए थे, 30 रुपए के कुछ कितने 300 ग्राम जैसे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपए के 200 ग्राम मिलते हैं। तो अभी टेस्ट करते हैं। इसने दाल वाला उठा लिया भाई, चटनी में डुबो भाई। कैसा लग रहा है वो तो बता। बेशर्मी देख रहे हो लॉन्डे की। भजिया बहुत ही गरम गरम है। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तेल में से तले हुए फ्राई कर नीचे उतारे हुए, मतलब कि हमें फ्राई करके दिए गए हैं। तो बहुत गरम है, टेस्ट की तो आप बात ही मत करो, टेस्ट इसका बहुत ही मस्त है। टेस्ट टेस्ट करके अकेला मत खा जाना, बहुत ही है। अभी इसको साइड पर खा लेते हैं पहले। पहली बार अपनी जेब में से पैसा निकाल रहा है, और निकाले कितने, सिर्फ 10 रुपए। हम लोगों ने दो टाइप के खमन मंगवाए, एक मसाला खमन और जो सादे रहते हैं वो खमन। तो पादरा में ये खमन भी बहुत फेमस है, जो है राजकमल के खमन। तो बहुत टाइम से ये शॉप यहाँ पर चली आ रही है। सो भाई, तो इसके साथ हमें चटनी मिलती है, एक चटनी अमित के हाथ में है और ये दूसरी चटनी हेमिल के हाथ में, और हेमिल ने तो खाना भी चालू कर दिया है। इसमें रई, मतलब रई धनिया दोनों उसका वगैरह आता है, मतलब फ्राई करते उसमें। चल खाने दे भाई, तू रहने दे। बहुत अच्छा है। इंसान को कितना भी खिला दो पर भूखा ही रहता है। हर संडे को पूजा वाला का समोसा ले जाता हूँ, और मम्मी बोलती है मेरे को खमन चाहिए, तो मैं खमन लेने के लिए इधर आता हूँ। अगर हम लोग चटनी की बात करें तो चटनी यहाँ पर ग्रीन कलर की है, बट ये चटनी मीठी है, तीखी नहीं है। और साथ में जो आपको मिर्च मिलती है ना, ये भी इतना ज़्यादा तीखा नहीं है। मिर्ची बहुत अच्छी है, और खमन की तो आप बात ही मतलब अलग है। तो यहाँ की खमन पाजा में बहुत फेमस है, और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमने दो टाइप के खमन मंगवाए हैं, एक मसाला खमन और दूसरे सादे खमन। तो मसाला खमन में आपको मसाला ज़्यादा मिलेगा, मतलब ऐसे तीखे होंगे। अगर आप खमन को, आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो उसको थोड़ा समझ लेना। तो खमन आप देख सकते हो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट है, बाकी सब भरे। अभी वीडियो को एंड करते हैं। अति सुंदर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। खाने पीने के बाद पेट थोड़ा सा फूल जाता है, इसलिए मैं योगा कर रहा हूँ। तो अभी
जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैंने एक्सप्लोर किया पादरा के और नए तीन फूड ब्लॉग को, तो आगे भी ऐसे फूड ब्लॉग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और ये वीडियो पूरे पादरा में फैला दो। दोनों उसका वगा रहता है, मतलब फ्राई कर दे उसमें। चल खाने दे भाई, तू रहने दे।